जी आराम राम जी। पीजीआई रोहतक के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। बीएससी नर्सिंग करनी है किसी ने, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी है, या पैरामेडिकल लाइन का कोई कोर्स करना है, या फिजियोथेरेपिस्ट का कोई कोर्स करना है, तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं सीईटी के बेस पे। जी हाँ, यूएचएसआर सीईटी 2024 के बेस पे इनका सिलेक्शन होगा। तो कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। यदि आप ये कोर्स करना चाहते हैं, ये कोर्स जबरदस्त है, ये कोर्स बहुत अच्छे हैं। बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि ये फॉर्म कब निकलेंगे, इनके एडमिशन कब निकलेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। आप जानकारी के लिए भाई, ताकि आप किसी अपने बच्चों को बता पाओ कि एडमिशन कैसे होता है, आपके रिलेशन में किसी को बताना है तो आप बता पाओगे। इसलिए आप स्टूडेंट है तो भी देख लीजिएगा, आप पेरेंट्स है तो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि एडमिशन कैसे होते हैं। तो स्वागत है आपका नॉलेज टीवी देसीताओ यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका साथी राजेश। तो देख लेते हैं जी, ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है जिसका पूरा का पूरा पीडीएफ वो निकाल दी है, पीटीबीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/6/2024 का नोटिस है, यानी आज 27 तारीख है, और सही समय पर सही जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आगे चल के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं किस चीज के लिए। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो मैंने आपको सीईटी बोला, सीईटी होगा। यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्स यदि आपने करने हैं, तो चाहे वो बीएससी नर्सिंग है, चाहे वो बीपीटी है, चाहे पैरामेडिकल है, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, एनपीसीसी है, एमएससी नर्सिंग है, एमपीटी, ठीक है। तो चाहे वो गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, चाहे वो प्राइवेट में एडमिशन लेना है, जो कॉलेज आपके पीटीबीडी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक से अफिलाइटेड, ठीक है, मतलब जुड़े हुए हैं। तो यदि आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। जो एचएसएससी सीईटी है वो नौकरी वाला है, और ये आपका इस यूनिवर्सिटी का सीईटी है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस, 28 तारीख से आपका मामला स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट क्या है, 12 जुलाई है। और फीस कितनी लगेगी, जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये फीस लगेगी, और 750 रुपये SC ST BC कैटेगरी की फीस यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। और एग्जाम कब है सीईटी का, 28/7/2024 को आपका एग्जाम है, ठीक है जी। एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे, 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके आएंगे, ठीक है। तो यदि आपको इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है, आपको सीईटी का टेस्ट देना पड़ेगा, उस सीईटी के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, 12 जुलाई तक भरे जाएंगे। एग्जाम कब होगा सीईटी का, आपका होगा 28 जुलाई को होगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे टेस्ट के, 24 जुलाई को आएंगे। क्लियर जी, यहां तक आगे चलिएगा। ये कोई जानकारी आपको लेनी है, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म भरना है तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम है एनपीसीसी, ठीक है। ये फिजियोथेरेपिस्ट है, बैचलर करनी है या मास्टर करनी है, ये रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। तो ये सारे कोर्सेज है आप सीईटी के बेस पे ही कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर भी आपका एडमिशन हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी, प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी, इसी सीईटी के बेस पर होगा, ठीक है। आगे चलिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, सॉरी इस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है किसी को तो एज क्या मांगी है, तो मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। 31/12/2024 को आपकी एज काउंट करी जाएगी। बीएससी नर्सिंग करना है आपको तो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 17 साल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और प्लस टू पास होना चाहिए, प्लस टू किस में पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पास होना चाहिए। फिर आपके पास इंग्लिश कोर या इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, आप उनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना, और ऑल ओवर 45% नंबर होने चाहिए, और जो चारों सब्जेक्ट है इनमें अलग अलग से पास भी होना जरूरी है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
आगे चलेगा जी। उसके बाद में है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो +2 पास होना चाहिए, एक तो ये हो गया ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, +2 पास होना चाहिए। उसके बाद में जीएनएम आपने पास कर रखा हो और जीएनएम के तौर पे आपने रजिस्ट्रेशन अपना करवा रखा हो, तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद में एमएससी नर्सिंग है, तो जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है और परसेंटेज की कंडीशन है और आपने क्या है रजिस्ट्रेशन भी अपना करवा रखा काउंसिल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका जरूरी है। यदि आपको एनपीसीसी करना है, नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम करना है, तो आपका बीएससी होना चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ठीक है, और आपने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा होना चाहिए, जरूरी है ठीक है। ये फिर बीपीटी है आपका, एज 17 साल वही है, +2 पास होना चाहिए, 45% नंबर जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनमें से सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद एमपीटी है, जिसने बीपीटी पास कर रखा है, कोर्स कर रखा है, उसके बाद ये कोर्स आप कर सकते हैं ठीक है। और फिर पैरामेडिकल कोर्स है, आप ये देख सकते हैं सभी प्रकार के कोर्स है, एज क्या है 17 साल होनी चाहिए, +2 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ठीक है, 45% नंबर जरूरी है। तो यदि आप ये करना चाहते हैं दोस्तों, फॉर्म इसके आपके 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है। इस सीईटी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा इनके अंदर। कोर्स जबरदस्त है दोस्तों ठीक है। फीस मैंने आपको बताई दी, 1,000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी की और 750 रुपये एससीबीसी की ठीक है जी। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, तो ये आपका मामला है जी ठीक है। तो यदि आप एडमिशन कराना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग है या फिजियोथेरेपिस्ट है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है या पैरामेडिकल का कोर्स कोर्स करना आपको है ठीक है, तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक में आप यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। सीईटी का एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बेस पे क्या है मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका क्या होगा एडमिशन होगा ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोस्पेक्ट में आप आगे जाओगे ना, फीस भी बता रखी है, लगभग आप गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करेंगे तो लगभग 25 से 30 हजार रुपये के आसपास क्या है इसका खर्चा आता है एनुअली ठीक है। तो इस कोर्स के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कमेंट का जवाब देने की, या कोई कॉमन कमेंट हुआ तो उसकी वीडियो बना देंगे अलग से ठीक है। आपने पढ़ाई क्या कर रखी है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, इंडिया के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो अपने साथ है, ये परिवार जो बना हुआ है, ये कितना पढ़ा लिखा है, इनकी योग्यता क्या है, किस तरीके की आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए और उनके ऊपर काम कर पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।